संपत्ति पंपा विवेक सत्रंटलो थोड़ा एक पोज दीजिए मैडम जी। मैडम जी है, प्रियंका जी है, प्रियंका जी को भी बुला। 9 तारीख को जिस दिन विसर्जन करेंगे सर, रुकिए ना, एक एक सर अभी आए। विवेक सर बहुत बहुत गणपति की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया सर, अब इस बार चेहरा भी नहीं दिखाया आपने, कोई खास वजह या कुछ पंडित? वो हमारे नहीं, हमारे यहाँ प्रथा है कि जब लेके आते हैं गणेश जी को तो हम चेहरा हमेशा ढक के लेके आते हैं। पिछली बार भी ऐसे ही किया था, कपड़ा ऊपर से डाल के लेके आते हैं और जब लेके जाते हैं जब हम विसर्जन करने के लिए तब खुला करके जाते हैं। इस बार कोई खास प्रार्थना या खास कोई? कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है तो बस गणेश जी से यही चाहेंगे कि बार बार आते रहें और इसी तरह हमारे घर में खुशहाली और अभिवृद्धि दें, हमें आशीर्वाद दें। ओके, सीएम साहब के पास भी आप जा रहे हैं, सुनने में आया कि उनके साथ भी गणपति के इस पर्व पे आप मौजूद होने वाले हैं, उसके बारे में जी जाना जी। बस उन्होंने इनवाइट किया है तो मैं जा रहा हूँ विश करने के लिए और जैसे मेरे सारे मित्र गणपति रख रहे हैं, जिन जिन ने घर पे इनवाइट किया है मैं उनके घर जा रहा हूँ, तो वैसे भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं उनके घर जा रहा हूँ। कुछ यादें ताज़ा होती हैं जब आप विसर्जन के लिए जाया करते थे छोटे थे, स्कूल के टाइम पे या कॉलेज? बहुत सारी यादें हैं, हमेशा यहाँ जुहू में ही बड़े हुए हैं तो हमारा ऐसा हुआ करता था कि भागे दौड़े जाते थे और समुद्र के तट पर खड़े रहकर देखा करते थे किस तरह से बड़े बड़े गणेश जी आ रहे हैं। एक समय था जहाँ पे 30-30, 40-40 फुट के गणपति का विसर्जन हुआ करता था और हज़ारों लोगों की भीड़ लगती थी, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आता था। और बचपन की बहुत सारी यादें हैं मोदक को लेकर, मोदक खाना, मोदक चुराना, कभी कभी तो भोग लगने से पहले ही हम चुरा के ले जाते थे और मम्मी से खूब डांट भी पड़ जाती थी, बट अब मुझे लगता है वो मेरा बेटा कर रहा है। थैंक यू सो मच। एक हो गए भारत, एक भाग गए अभी गणपति बापा के साथ। अभी चलो जिस दिन उनको विसर्जन करेंगे विसर्जन वाले बस को तो जाने दो, ये बस वाला चलो टेंशन में आ गया। चलो चलो।